आज मैं आपको हेयर की रेंडरिंग करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बालों को रेंडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा डेमो देके दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको ये जैसे करके दिखाऊंगी मैं, आप सभी हेयर के ऊपर, सभी तरह के बालों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी पेंसिल को शार्प कर लेना है बिल्कुल, ताकि उससे हम अच्छे से अपने बालों को रेंडर कर पाएं। इस तरीके से आपको स्ट्रोक्स लगाते हुए इस तरीके से साइड साइड में इस तरीके से आपको करना है। पूरे में इसी तरीके से स्ट्रोक्स लगाते हुए, लेकिन शुरू में आपको पहले हल्का रखना है, और जिस तरफ हमारा कर्व जा रहा है उस तरफ ही आपको कलर अप्लाई करना है। इस बात का खास ख्याल रखें, सीधे सीधे नहीं करना है, जिस तरफ कर्व जाएगा उसी तरफ आप कलर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम फिर से एक और लेयर लगाएंगे इसी की। इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाने हैं आपको बहुत ही करीब से, दिखने चाहिए आपको। और कहीं कहीं, जैसे कि कहीं कहीं ज़्यादा डार्क करना है आपको, कहीं कहीं ऐसे वाइट वाइट सा, कहीं मतलब कहीं कहीं खाली सा छोड़ना है आपको, जो वाइट वाइट पोर्शन दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस जगह पे, मैं जैसे कि ये बीच में ये डार्क कर रही हूँ। आप ऊपर नीचे थोड़ा वो कर सकते हैं कि ठीक से विजिबल ना हो लाइंस, लेकिन बीच में आपको अच्छे से कलर अपना इस तरीके से करना है कि वो लाइंस विजिबल होनी चाहिए। तरीके से, और अब साइड साइड में हम इसको थोड़ा डार्क कर देंगे इस तरीके से। आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल कलर ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, तो आप किसी भी पेंसिल कलर से कर सकते हैं आराम से। इस तरीके से आप हर तरह के बालों में, चाहे कैसे भी हो, सभी में यही टेक्निक अप्लाई करनी है, बस आपके बाल तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही किसी भी कलर से कर सकते हैं, मैंने आपको ये ब्लैक कलर से करके दिखा दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी के देखेंगे कि किस तरीके से करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ये बना के रखे हुए हैं, ड्रॉ करके रखे हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, जैसे कि मैंने अभी आपको अभी पीछे डेमो दिया, सबसे पहले हम स्ट्रेट हेयर करेंगे किस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था। अभी दूसरा कलर ले लेते हैं। इस तरीके से पेंसिल को पूरा शार्प कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपकी एक अच्छी नेचुरल लुक आएगी बालों में। इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये बीच बीच में इस तरीके से आप थोड़ा, पूरे में बेशक एकदम से अप्लाई नहीं कर देना आपको, ये बस कर दो,
बीच बीच में इस तरीके से आपको थोड़ा वाइट वाइट छोड़ना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इस साइड साइड में इस तरीके से थोड़ा बॉर्डर की तरफ थोड़ा जो साइड्स हैं इसको गहरा करते हुए, और ये बीच बीच में थोड़ा जो वाइट ज़्यादा दिख रहा है इस पर भी थोड़ा कलर अप्लाई कर देंगे। और जैसा मैंने बताया जिस तरफ कर्व जाएगा, जैसे कि इस बाल का कर्व इस तरीके से, बालों का कर्व इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, तो हम इस तरीके से इसको यहीं पर ले जाएंगे। इसका यहाँ पर आ रहा है और इसका यहाँ पर, तो उसी तरीके से शुरू में मैंने ब्लैक कर दिया ना, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मैंने फिर से ब्लैक कलर ले लिया और इसके ऊपर हल्का हल्का ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये अजीब ना लगे। अब हम कर्ली हेयर देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ उसको। जैसे इस तरीके से, ठीक है, आपको इसके साथ ही एक लाइन और लगानी है इस तरीके से, इससे बिल्कुल टच करते हुए। ये यहाँ से ना जहाँ पर ये कर्व इसका आगे आ रहा है अंदर की तरफ, इससे थोड़ा ऊपर ही आपको यहाँ से इस तरीके से लगाते हुए आपको नीचे तक इस तरीके से लाना है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपका ये जो कर्ली हेयर है, मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ, इस तरीके से पास लाते हुए इसको थोड़ी, जो हमारा कर्व अंदर जा रहा है इससे थोड़ा ही ऊपर हम इस तरीके से लगाते हुए, और इस तरीके से लगाते हुए इस तरीके से बनाएंगे इसको। बस आपको बस ऐसे ही बना देना पूरे बालों को, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है। और अगर आपको थोड़ा और कर्ली चाहिए थोड़ा ज़्यादा, तो उसके लिए आप थोड़ा और पास ला सकते हैं, जो ये कर्व्स है ना, जैसे यहाँ पर मैंने दूर दूर किया इस तरीके से, आप इसको थोड़ा और पास ला के इस तरीके से बस पास ला देना, और इस तरीके से आपको वही चीज़ करनी है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, और इससे ज़्यादा कर्ली चाहिए तो और पास ला देंगे इस तरीके से, और पास ले आएंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। और फिर से वही पास पास लाते हुए जो हमारे ये कर्व्स हैं,
इस तरीके से इसको बिल्कुल चिपकाते हुए इस तरीके से एक और लाइन हमें इसके साथ लगा के बना देनी है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा डीप चाहते हो तो आप इससे भी ज़्यादा डीप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए हम उसमें देखते हैं किस तरीके से उसको रेंडर किया जाएगा। मैंने ब्लैक कलर लिया है इसके लिए। बस आपको इसमें ये करना है कि पूरे जो ये मैंने लाइंस बना रखी है ना, कर्ल्स बना रखे हैं, इन कर्ल्स को एक एक लाइन ड्रॉ करनी है बस आपको इस तरीके से बड़े ध्यान से। एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में इस तरीके से। मैं इसको ऊपर से थोड़ा शेडिंग कर लेती हूँ इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाते हुए। जैसा अभी मैंने आपको बताया है इसमें इस तरीके से करना है। अब बीच में थोड़ा इस तरीके से आप इसको फिल भी कर सकते हैं हल्की हल्की शेडिंग करके। अब देखेंगे वेवी हेयर्स, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है हमें। जब आप नीचे आ जाएं बालों के तो इस तरीके से स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, जैसे नीचे छोटे छोटे बाल रह जाते हैं ना, निकलते हुए दिखाई देते हैं इस तरीके से। इससे क्या असली जैसा लगेगा बिल्कुल। और ये हमारी हल्के हल्के बंग्स निकले हुए हैं इसको, इसके ऊपर भी हमने कलर अप्लाई कर लिया है। अब अगला देखेंगे, ये मैंने स्ट्रेट हेयर बनाया है इसमें और ऊपर एक बन बनाया है जूड़ा, और नीचे मैंने इसमें बंग्स बना रही हूँ। इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। बंक्स को ध्यान से करेंगे, अगर हम एकदम लाइन लाइंस वाले बंक्स बना रहे हैं तो एक लाइन लाइन के फॉर्म में उसको अप्लाई करेंगे, कलर को भरा भरा नहीं करना है ज़्यादा। मैं इसके ऊपर एक कलर और अप्लाई करूँगी, ये हमारा वही मट्टी कलर, जैसे कि ये जूड़े में साइड से इस तरीके से मैंने लाइंस लगाई हैं जो
जो हम जोड़ा बांधते तो कर जाता है ना, अब हम देखेंगे। ये मैंने पीछे का, ये पीछे साइड का जूड़ा बनाया है, इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से हमें करना है। मैंने ब्लैक कलर लिया है, सबसे पहले मैं इस तरीके से इसको आउटलाइन कर लूँगी इसकी। बीच में इस तरीके से, इस तरीके से बनाऊंगी और फिर इसी से, इसी के साइड से इस तरीके से लगाते हुए बीच में थोड़ा खाली छोड़ते हुए इस तरीके से हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। नीचे से ऊपर की ओर लगाइएगा और ऊपर से नीचे की ओर और साइड साइड से अच्छे से आपको थोड़ा गहरा करना है। बीच में भी आपको इस तरीके से अप्लाई कर देना है, ठीक है? ठीक है, हम जूड़ा देखेंगे। जूड़ा बना रखा है मैंने इस तरीके से, यहाँ पर ये घुमाव आ रहा है, इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा वाइट वाइट छोड़ा है यहाँ पर, इस तरीके से कि इस तरीके से ही आपको आपको भी ऐसे ही करना है। कहीं कहीं जैसे कि ज़्यादा, कहीं कहीं वाइट छोड़ना है, कहीं कहीं कलर अप्लाई करना है इस तरीके से, ठीक है? अगला देखते हैं। इसमें मैंने आप छोटी बनाई है, ब्राउन कलर ले रही हूँ मैं, वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको भी। यहाँ से थोड़ा इस तरीके से मैंने वाइट छोड़ा है और साइड से कलर से गहरा कर, कलर से गहरा करते हुए यहाँ पर मैंने वाइट छोड़ा है और यहाँ से थोड़ा गहरा करते हुए साइड से इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाएंगे। जो हमने चोटी बनाई है इसके साइड साइड से इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाएंगे दोनों साइड से और बीच में थोड़ा वाइट रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा वाइट रखा है और
साइड साइड से थोड़ा गहरा किया है, और इसको भी हम चोटी को थोड़ा गहरा कर लेंगे ताकि ये विजिबल हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।